फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह ने गाजे बाजे के साथ नामांकन किया है। पहले लल्लू सिंह ने रामकथा पार्क से कलेक्ट्रेट तक रोड शो निकाला। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि अयोध्या पूरे विश्व का ऐतिहासिक धाम बन रहा है। एक कार्यकर्ता के रूप में, एक कार्यसेवक के रूप में लल्लू सिंह का बड़ा योगदान रहा है। इस बार चुनाव भी बहुत ऐतिहासिक होगा। ऐतिहासिक मतों से लल्लू सिंह विजयी होंगे। सीएम धामी ने कहा है कि देश के अंदर, दुनिया के अंदर फिर से राम युग आएगा और यह अयोध्या की धरती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह कालखंड और यह सौभाग्य हम सबको मिला है, राम भक्तों को मिला है। फिर से राम युग में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से यहां से ऐतिहासिक विजय होगी, क्योंकि ऐतिहासिक काम यहीं से हो रहा है। समारोह में इस प्रकार से पूरे क्षेत्र में बड़े बुजुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने, नौजवानों ने सड़कों पर आकर अपने घरों की दीवारों से, ऊपर से, हर जगह से लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है। और सब जानते हैं कि आदरणीय लल्लू सिंह जी लगातार, चाहे इस क्षेत्र के विधायक रहे हों, सांसद रहे हों, सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में, हमेशा उन्होंने समर्पित भाव से काम किया है। और ये तो अब पूरे विश्व का ऐतिहासिक धाम बन रहा है। एक कार्यकर्ता के रूप में, एक कार्यसेवक के रूप में उनका योगदान यहाँ बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस बार का चुनाव भी बहुत ऐतिहासिक होगा। ऐतिहासिक मतों से विजय होंगे, क्योंकि देश के अंदर, दुनिया के अंदर फिर से रामयुग आया है और यह अयोध्या की धरती है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये कालखंड और ये सौभाग्य हम सबको मिला है, राम भक्तों को, राष्ट्रभक्तों को, और फिर से रामयुग में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो निश्चित रूप से यहाँ से ऐतिहासिक विजय होगी, क्योंकि ऐतिहासिक काम यहीं से हो रहा है। अयोध्या जो राम धाम है, आज वहाँ पर भव्य मंदिर बन गया, लाखों लोग वहाँ, पूरे देश और दुनिया से आए। स्वाभाविक रूप से मोदी जी का काम, देश के प्रति मोदी जी का समर्पण और अयोध्या श्री राम का भव्य मंदिर, अयोध्या का विकास, इन सारे मुद्दों पर हम सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव लड़, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रातों दिन मेहनत करके अपने बूथ को, जैसा मोदी जी ने कहा है, पिछले वर्ष से ज्यादा मतों से जिताने का प्रयास है। अयोध्या के राम पर होते हुए नामांकन के लिए जाएगा, और जिस प्रकार से आम आदमी का उत्साह आज नामांकन जुलूस में दिखाई पड़ रहा है, हमें उम्मीद है कि इस बार अयोध्या लोकसभा में हम लोग ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। देश की जनता बेकरार है मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो लोगों की आस्था है और जो उन्होंने पिछले 10 वर्षों के अपने कार्यकाल में करके दिखाया है, और जो पूरे देश में एक विकसित भारत बनने के प्रति एक जिज्ञासा पैदा की है, हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग फिर से 400 पार करके और फिर से एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित अयोध्या में है। इसके लिए जय जय श्री राम। और कुछ भी कहना नहीं है, हमारी भीड़, हमारी उत्तेजना, हमारे लोगों की जागरूकता आपको दिख गई होगी पुष्प वर्षा से और जय जयकार से, कि हमारे यहाँ से फिर से लल्लू भैया के लिए भारी वोट मिलेगा और हर तरफ से मिलेगा। और 400 पार की एकदम तैयारी पे लगे हैं हम। हमारी हर जगह जाके एक दूसरे से मिलना हो रहा है, संपर्क अभियान चल रहा है, पार्क से लेकर हमारा कलेक्ट्रेट तक गई है पूरी यात्रा, और जिसमें भरपूर योगदान रहा भाइयों का, बहनों का, हर क्षेत्र से, हर समाज के लोग हमारे को समर्थन देते हुए अब की बार 400 पार की यात्रा को सबने मंगलमय तरीके से संपूर्ण किया। यात्रा के लिए तो हम लोग मतलब 3-4 दिन से इंतजार कर रहे थे, और पूरी तैयारी में हम लोग इसकी बहुत सारी परिकल्पना की थी। एक ही तरह की साड़ी और एक ही तरह का ड्रेस और जो दुपट्टा है, सब कुछ एकदम प्रिपेयर करके हम लोग निकले थे आज, और इतने उत्साह के साथ 2 दिन पहले से ही तैयारी करके, और आज सुबह से ही हम लोगों ने पूरी यात्रा को संपूर्ण किया है और जय जयकार लगाते हुए जय श्री राम
और मोदी जी योगी जी का पूरा गुणगान करते हुए हम लोग रामकथा पार्क से कलेक्ट्रेट तक की यात्रा पूरी की है। 400 पार आज लल्लू सिंह भैया का नामांकन हुआ। हम लोग उन लोगों के उनके साथ में रामकथा पार्क से लेकर के यहाँ अयोध्या कलेक्ट्रेट तक हम लोग आए हैं और हमेशा से अब की बहुत ज्यादा सब लोगों में उत्साह है उनके लिए और 400 से पार ही होगा हम लोगों का। हम बहनों का बहुत ही मतलब सौभाग्य है कि हम उन लोग उनके साथ में इतनी दूर से चल के पैदल चल के और मोटरसाइकिल से हर चीज से हम लोग उनके साथ में रहे। सांसद लल्लू सिंह द्वारा आज 9 किलोमीटर यात्रा करके कलेक्ट्रेट पहुंच के दूसरी बार आज नामांकन किया गया। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद रहे, पांचों विधानसभा के पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक व अन्य विधायक व पदाधिकारी व हजारों हजार की संख्या में जन सैलाब दिखाई पड़ा। जय श्री राम के नारे लगाते हुए करीब 9 किलोमीटर की पद यात्रा निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और सांसद लल्लू सिंह द्वारा दूसरी बार आज दोबारा दूसरी परत नामांकन किया गया जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। आपको यह भी बता दें कि पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रभु रामलला का शाम को देर शाम को दर्शन पूजन किया गया। आपको बता दें कि नेटवर्क 10 से आज तक के लिए KK शुक्ला।